गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए गुरुदेव को साक्षी मानते हुए पिछली वीडियो में हमने जाना था कि गायत्री साधना के दो स्तर कौन से होते हैं। पहला होता है गायत्री और दूसरा सावित्री यानी कुंडलिनी। अब आगे की वीडियो में गुरुदेव हमको क्या समझाते हैं कि क्या साधना में जप करना, अनुष्ठान करना, पुरस्चरण करना ही पर्याप्त है या साधना कुछ इससे हटके है, तो आइए हम जानते हैं। साधारण साधना जो हम लोग करते हैं, जैसे कि हम बाल साधना कहते हैं, क्रियाकांड भर की होती है। ऐसे कितने ही लोग हैं जो केवल जप को ही सब कुछ समझते हैं। जप, हवन, अनुष्ठान, पूजन आदि वाह प्रतीक उपचार ही उनकी समझ में सब कुछ होता है। जप की संख्या पूरी करनी है, फिर चाहे मन में काम हो, क्रोध हो, लोभ मोह के कुविचार उस समय कितनी ही गति से ऊपर उठते क्यों ना हो। जगत जननी की छवि को देखने का ध्यान करना उनके लिए सब कुछ होता है। श्रद्धा, प्रेम, आत्मीयता एवं तन्मयता का भाव भी साथ में है या नहीं, इस बात पर वे लोग ध्यान नहीं देते। जप का शारीरिक श्रम भी तो कुछ तो उपयोगी होता है, पर भावना के अभाव में वह एक प्रकार से निर्जीव ही बना रहता है। सच्ची उपासना वह है जो आत्म कल्याण के लिए, जीवन के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, दुर्बुद्धि हटाकर मनोभूमि में सद्बुद्धि की स्थापना के लिए श्रद्धा और भावना पूर्वक की जाती है। हमारी किसी इच्छा को पूरा करने के लिए की गई साधना जप तप यदि हम करते हैं तो ये हिसाब लगाते रहते हैं कि इतना जप हो जाने पर ये प्रयोजन पूरा हो जाना चाहिए, हमको ये सिद्धि मिल जानी चाहिए। यदि वह प्रयोजन हमारा पूरा हो भी गया तो भी हम साधना छोड़ देते हैं, और नहीं भी हुआ तो भी उसका त्याग कर देते हैं। डॉक्टर के पास रोगी तभी तक जाता है जब तक कि उसे कष्ट रहता है। कष्ट दूर हुआ कि रोगी ने वैद्य से रिश्ता तोड़ा। इसी प्रकार यदि रोग अच्छा ना हो तो भी रोगी उस वैद्य से मुंह मोड़ लेता है और उसकी बुराई करने लगता है। सकाम उपासना करने वालों का यानी अपने मन में इच्छा को पूरा करने के लिए जो साधना की जा रही है उनका भी यही हाल होता है। किसी तप से अभीष्ट लाभ हो गया तो फिर उसे करने की जरूरत नहीं रहती, और चाही हुई अवधि में यदि उनकी मनोकामना पूरी ना हुई तो भी उसे व्यर्थ समझकर छोड़ दिया जाता है। ऐसी पूजा को साधना कहना ही नहीं चाहिए, वह तो किसी लौकिक प्रयोजन को पूरा करने के लिए एक लौकिक माध्यम मात्र थी। साधना आत्म कल्याण के लिए लौकिक कामनाओं से रहित होकर की जाती है। परमात्मा ने हमें जो कुछ दिया है वह कम नहीं, जो कमी है वह हमारे प्रयत्न और पुरुषार्थ की त्रुटियों के कारण है। हमें अपने गुण, कर्म, स्वभाव के दोषों को सुधार कर व्यक्तित्व को सुव्यवस्थित बनाना चाहिए। प्रत्येक उचित कामना परमात्मा हमारी सहज ही पूर्ण कर देते हैं। अपनी त्रुटियों को ज्यों का त्यों रखा जाए, दोष और दुर्गुणों को ज्यों का त्यों रहने दिया जाए, तृष्णा और कामना की परिस्थितियों के साथ तालमेल रखकर लंबी चौड़ी कामना करते हुए उनकी पूर्ति का साधन थोड़े से पूजा पाठ को अगर मान लिया जाए तो ये भारी भूल है। कर्म और पुरुषार्थ का उचित मूल्य चुकाने पर पात्रता के अनुरूप जो सफलताएं मिलती हैं उन्हें थोड़े से पूजा पाठ के द्वारा चुटकी बजाते प्राप्त करने का लालच किया जाए तो ये अनुचित और अनुपयुक्त बात होगी। यदि हम अपने जीवन में कुछ चाहते हैं, लौकिक प्रयोजन हमारे मन में कोई है, तो हमें अपने गुण, कर्म, स्वभाव का परिष्कार करना होगा। श्रम और अध्यवसाय द्वारा हम अपना परिष्कार कर सकते हैं। ईश्वर ने हमें उन सभी क्षमताओं से पूरी तरह संपन्न करके भेजा है जिनसे अपनी आवश्यकताएं अपने बाहुबल एवं बुद्धि कौशल से सरलता पूर्वक प्राप्त हम कर सकें। शुभ अशुभ कर्मों के फलस्वरूप सुख दुख की परिस्थितियां ही आती जाती रहती हैं, इन्हें धैर्यपूर्वक सहन करना चाहिए। कर्म फल का सिद्धांत अमिट है, हमारी करनी हमें ही भरनी पड़ेगी। इसके लिए ईश्वर को या किसी दूसरे को दोष देने से क्या लाभ।
धैर्य और साहसपूर्वक बुरी परिस्थितियों का भी मुकाबला किया जा सकता है। अपनी न्याय व्यवस्था को बिगाड़कर ईश्वर से अपने लिए पक्षपात का व्यवहार करना किसी सच्चे साधक को शोभा नहीं देता। यदि हमने पाप किया है तो उसका दंड हंसते हुए भोगने का भी साहस हम में होना चाहिए। यही मानवोचित दृष्टिकोण हो सकता है। परमात्मा से प्रार्थना करनी हो तो धैर्य, साहस, पुरुषार्थ और सद्गुणों की अभिवृद्धि ही करनी चाहिए। प्रभु किसी पर प्रसन्न होते हैं तो उसे वस्तुएं नहीं प्रेरणाएं देते हैं। चिंता और परेशानियों के अभाव और कष्टों से पार निकलने के लिए यदि आवश्यक मार्गदर्शक प्राप्त हो जाए और उस पर चलने का साहस बन पड़े तो फिर कठिन उलझनों को मनुष्य पार कर सकता है। इसके विपरीत यदि आकस्मिक देवी सहायता मिल जाए तो वह तत्कालिक उलझन तो दूर हो सकती है पर क्षमता और प्रतिभा के अभाव में फिर अगले दिन वैसी ही अन्य समस्याएं आगे आ खड़ी होंगी। उलझे दृष्टिकोण के व्यक्ति आए दिन कठिनाइयों के जंजाल में फंसे ही रहते हैं। परमात्मा का सच्चा अनुग्रह यही हो सकता है कि व्यक्ति का दृष्टिकोण सुलझा हुआ हो, समस्याओं का हल करने की हिम्मत और सूझबूझ बनी रहे, गुण कर्म स्वभाव में ऐसी संजीदगी हो कि अपनी ही नहीं दूसरों की गुत्थियों को भी उस माध्यम से सरल बनाया जा सके। गायत्री उपासक को माता का ऐसा ही अनुग्रह मिलता है और वह भौतिक जीवन में सुख तथा आंतरिक क्षेत्र में शांति अनुभव करता हुआ अपने आप को हर घड़ी आनंद एवं उल्लास की स्थिति में पाता है। आपत्तियों का निवारण, समस्याओं का हल और अभावों की पूर्ति के लिए आमतौर से लोग पूजा पाठ करते हैं। श्री समृद्धि और संपदा की कामना में जप तप का विधि विधान अपनाया जाता है। मनुष्य दुर्बल प्राणी है, सुख और लाभ की इच्छाओं से प्रेरित होकर वह बहुत सारे कर्म करता है। उन्हीं में से एक पूजा पाठ भी माना गया है। देवी देवताओं की शरण में लोग इसलिए जाते हैं, संत महात्माओं का आशीर्वाद भी इसीलिए चाहते हैं। यूं बाल बुद्धि की स्थिति में ये भी कुछ बुरा नहीं है। इसी निमित्त से सही कुछ भगवान का नाम स्मरण हो जाए तो वह भी अच्छा ही है, पर इस दृष्टि के साथ की गई उपासना को आध्यात्मिक नहीं कह सकते। वह भौतिक उद्देश्य के लिए भौतिक प्रयत्न मात्र सिद्ध होती है और उसका प्रतिफल भी छोटा सा ही बनकर रह जाता है। इसलिए इस प्रक्रिया को तत्वदर्शियों ने निम्न स्तरीय उपासना कहा है। जिनकी आध्यात्म मार्ग में कोई रुचि नहीं है, जो आत्म कल्याण का महत्व नहीं समझते और भौतिक लाभ ही जिन्हें सब कुछ दिखाई पड़ता है, उनके लिए प्राथमिक आकर्षण की दृष्टि से ये सकाम या निम्न स्तरीय साधना भी उपयोगी है। जितना समय और श्रम उनका लगता है उसकी तुलना में कहीं अधिक लाभ उन्हें निश्चित रूप से प्राप्त हो जाता है। जो कुछ चाहा गया वह सब कुछ पूर्ण होना ही चाहिए, इसकी तो गारंटी नहीं है, पर इतना दावे से कहा जा सकता है कि जितने समय आराधना की गई है उतने समय का लाभ उसके अपेक्षा कहीं अधिक होगा जो उस प्रयोजन के लिए भौतिक प्रयत्न करने में किया जाता। गायत्री उपासना में लगाया हुआ समय कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। तो साधना करते समय हमारे मनोभाव जिस तरह के होंगे उसी से हमारी साधना उच्च स्तरीय बनेगी और उसी से हमारी साधना निम्न स्तरीय बनेगी। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मंत्र सिद्धि चैनल।